अब मैं रिया करने वाली हूँ ऑन इंडिया से आए मेहमान नाना पाटेकर बाय एम खान पॉडकास्ट। इनके पास सारे है हा सबके डुप्लीकेट से। सो बिफोर आई स्टार्ट वेलकम टू माई चैनल निकले वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल। So let's go. आपको पता है मच्छर और मक्खी में क्या फर्क है? क्या फर्क है? मक्खी मोइना करती है, मच्छर इंजेक्शन लगाता ठक। अच्छा है। इनके पड़ोसी के कुत्ते ने इनकी मुर्गी खा ली, उन्होंने कहा भाई ₹1000 लो, बात को यहीं खत्म करो। ये क्या कर रहे? नहीं मैं तो आपका कुत्ता ही खाऊंगा। अच्छा है, बड़ा गधे का बच्चा है। मैं तो कहता हूँ शादियों में जो रस्में होती है ना, जूता छुपाएगी दूल्हा का मोबाइल छुपा दो, 5000 के 50000 भी देगा। और आप देखो सास के लिए बहू से, बेटा अब तो काफी टाइम हो गया, अब तो 2-3 हो जाओ। बहू कह रही मुझे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपका बेटा मानेगा नहीं थ्रीसम के लिए। नहीं मेरा मतलब है कि बच्चों के लिए, बच्चे के लिए, बच्चों के आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए उसके मरीज कह रहा है डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मैं सुबह सुबह जाग जाता हूँ लेकिन मेरा जमीर नहीं जागता। डॉक्टर साहब करो इसका मतलब आपका ताल्लुक किसी पॉलिटिशियन से। हमारे मुल्क के अगर सहाफियों को बोल दिया जाए ना कि भाई एक दरख्त लगाओ तुम्हें एक लिफाफा मिलेगा, तो आप यकीन करें ये पूरे मुल्क को जंगल बना दें। जो करप्ट सहाफी है, एक बंदा हालात से तंग आकर कह रहा है बरकत भाई जब लाइफ की स्पेलिंग एल से शुरू हो तो लाइफ के तो एल लग नहीं है। कौवे में मुझे एक बात याद आ गई, अभी कुछ दिनों पहले कौवे ने मेरे ऊपर ऐसे कर दिया। वो कमोड समझ रहा होगा ना, मैंने ऊपर देख के शुक्र अदा किया कि शुक्र है ऊपर वाले भैंस नहीं उड़ती है। मैसेज देना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि दिल और किस्मत की कभी भी आपस में नहीं बनती, क्योंकि जो लोग दिल में होते हैं वो किस्मत में नहीं होते। और मैं तो कहता हूँ आप पूरी दुनिया की औरतों को भी बुरखा पहना दो ना, आपने हिसाब अपनी आंखों का ही देना है। आप शादी में बात कर रहे हैं, मैं आपको एक साइंस की तहकीक बताऊं। नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पे पहुंचा तो उसने वहां पे पहली क्या तहकीक बताई? क्या बताई? उसने बोला भाई किसी की भी बीवी की शक्ल चांद से नहीं मिलती। पूछ रहा है ना, तुम पे इल्जाम है कि तुमने 25 साल अपनी बीवी को डरा धमका कर अपने कंट्रोल में रखा है। मुल्जिम कहने का सर, कह रहा है सर नहीं तरीका बता यार। अच्छा ये सुबह सुबह हमारे छोटों को किस बात की अकड़ होती है? हाँ ये बच्चे कह रहे स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा, और आपने जाके क्या कर लिया स्कूल जो आप मुझे स्कूल भेज रहे हैं, अकड़ होती है। पार्टी का एक वायरस उनमें भी आ गया। मेरे में भी आ रहा है इधर, इधर ये ले हिंदू का खून मुसलमान का खून बता। ये डायलॉग जब ये बोलेगा तो कैसे बोलेगा? मैं बता अक्षोक कुमार भी आ रहा है बच्चे अंदर फिल्मी ऐसी डाल दिया हमारे अंदर। खामोश, कमाल बात है, मोमबत्ती को आखिर में मालूम होता है, मोमबत्ती को आखिर में मालूम होता है कि उसे एक ऐसे धागे ने खत्म कर दिया है जिसे वो सीने में छुपाई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम बरकतुल्लाह भाई। वालेकुम सलाम अहमद भाई। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मेरा दिल करता है मैं हर एपिसोड पाकिस्तान के हालात पे। लेकिन मसला ये कि हम तीनों की राय तो आती रहती है सामने। हमने आज भारत से एक मेहमान बुलाने की कोशिश की। कोशिश की? हाँ, क्योंकि उसमें हम कितना कामयाब हुए या नहीं हुए हमें नहीं पता। आपकी और मेरी भरपूर तालियों में दादा पाटेकर। अच्छा है, नज़ला हुआ। अच्छा है, आगे मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। कौन मर रहा है? काफी तकलीफ में लग रहे हैं। एक लीटर पेट्रोल साला, एक लीटर आदमी को ही चढ़ा बना देता है। ये कहाँ से मजार से उठा के लाएंगे नाना पाटेकर? नहीं कहाँ से उठाए? ये नाना तो मैं बोल ही नहीं, ये दादा पाटेकर है। अच्छा दादे का, दादा पाटेकर, हाँ जो भी है। अच्छा है, ये देख मैं दिखाता हूँ, ये देख, ये हिंदू का बिल, ये मुसलमान का बिल, ये गरीब का बिल, ये अमीर का बिल, सेम यूनिट है, बिल्कुल एक जैसे यूनिट है। क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल एक जैसा है। अच्छा, ये भी हालात से मारा। यही प्रॉब्लम है जो हमारे साथ है। हमारे मुल्क में भी हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सबके सबके बिलों का वही हाल है। वाह 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 वाह, सबके बिलों का वही हाल है और सबके दिलों का वही हाल है। वाह 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 वाह, अल्लाह सबकी परेशानी को दूर करे, आमीन। ना अपना पाटेकर जी, मेरा पहला सवाल आपसे, वो क्या है जो बैठो तो छोटा हो जाता है और खड़े हो तो बड़ा हो जाता है? क्योंकि आप बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, आपकी फिल्में मैंने देखी हैं। अरे भाई माशाल्लाह। अरे कैसे बताऊं मैं, नॉर्मल तरीके से बताएं, वो क्या है जो बैठो तो छोटा हो जाता है और खड़े हो तो बड़ा हो जाता है? अरे क्या है आपका कद? वाह,
मेरा दूसरा सवाल, जिस्म की सबसे, देखिए कोई वल्गर बात मत कीजिएगा, जिस्म की सबसे नालायक चीज कौन सी होती है? कैसे बताऊं मैं? कैसे, वही नॉर्मल तरीके से, जिस्म की सबसे नालायक चीज क्या है? क्या है? अरे क्या है? अरे गुर्दे सबसे ज्यादा फेल होते हैं। ओह आप भाई अंडा अंदर देके आ जाओ। आजा 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 नाना पाटीकर जी, वो कौन सा जानवर है? वो कौन सा जानवर है जिसकी मादा नहीं होती? बरकत। हाँ उसकी शादी नहीं हुई लेकिन इसकी मादा है। एक दो आपने एक सब कर लिया, वो जानवर है भाई, इसकी मादा है और वो इससे अमादा है, लेकिन वो ये कौन सा जानवर है जिसकी मादा नहीं होती? कैसे बताऊं? अरे नॉर्मल तरीके से बताएं, कौन सा जानवर है जिसकी मादा नहीं होती? अरे क्या है? खच्चर। ये मेरी तरफ इशारा करके कह रहा है खच्चर। नहीं नहीं मैंने तो आपको जवाब दिया। चौथा, अच्छा चौथा सवाल, ये पत्थर है यहाँ पे। नहीं नहीं वो आप कर सकते, मेरे पास तीन ही थे यार। आते ही आपने सवालों की भरमार कर दी उनसे, उनका इंट्रो तो जाए यार, बड़े काबिल आदमी है। हाँ। भाई वो कौन सा ऐसा फकीर है जो लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाता? कैसे बताऊ मैं? वही नॉर्मल तरीके से। तो फिर तुम बताओ क्या है? लकीर का फकीर। लकीर। अच्छा नाना भाई, आपने हर ये आपने जिक्र किया एक मच्छर साला। हाँ दादा भाई, आपने वो आपकी एक फिल्म हिट हुई थी, एक मच्छर साला आदमी को हेचड़ा बना देता है, वो जो था, तो उसी मुतालिक मेरा एक सवाल है। ये सवाल ये कि ये मच्छर सारी रात बाहर मुंह मारते हैं तो उनकी बीवियां मना नहीं करती? इनका डायलॉग है कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, और अगर मच्छर काटे ही हिजड़े को तो वो क्या बनेगा? हाँ, वो क्या बनेगा? वो फिर बनेगा रेहान जमाल। अच्छा ये बात सच है कि हमारा अलग अलग ब्लड ग्रुप इसलिए होता है ताकि मच्छर अलग अलग फ्लेवर को एंजॉय कर सके। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ये जो आपसे इतनी बातें हो रही है ना, ये सिर्फ टेस्ट हो रहा है। अच्छा मच्छर की शादी मक्खी से हो सकती है? हो सकती है। और अगर वो मॉस्पेल लगा के बैठ गया? नहीं आपको पता है मच्छर और मक्खी में क्या फर्क है? क्या फर्क है? मक्खी मोइना करती है, मच्छर इंजेक्शन लगाता ठक। अच्छा है। अच्छा ये एक मच्छर काला भी होता है, मच्छर सफेद भी होता है, आपको कौन सा वाला पसंद है? मिक्स कर ले, ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा पता नहीं आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मक्खी के पर काट दिए। अच्छा है। नाना पाटेकर साहब जितने आजजी वाले, दादा पाटेकर, दादा पाटेकर मैं इनका फैन हूँ। हाँ। बहुत आजजी, टैलेंटेड, और इनके वाक्यों में भी टैलेंटेड है। हाँ। इनके किस्सों में भी टैलेंटेड है। आप बोलोगे यार ये किस्से भी क्रिएटिविटी वाले किस्से, इनके किस्से इतने मशहूर है, इनके पड़ोसी के कुत्ते ने इनकी मुर्गी खा ली। मैं आपको सच बता रहा हूँ पाटेकर साहब, आपका ये वाक्य मशहूर है, इनके पड़ोसी के कुत्ते ने इनकी मुर्गी खा ली। उन्होंने कहा भाई ₹1,000 लो, बात को यहीं खत्म करो, ये क्या करे? नहीं मैं तो आपका कुत्ता ही खाऊंगा। अच्छा है, बड़ा घरे का बच्चा है। बहुत एक बात बताइए, अब आप पता चल गया नाना पाटेकर तो नहीं है, नहीं है, ये नहीं है, आप खुल के करो। एक बात बताइए, आप अच्छा है अच्छा करे जा रहे हो, ये अच्छा तो नहीं है, जो मुल्क का हाल चल रहा है अच्छा तो नहीं है। आप हमें कोई मशवरा दो के हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं। देखे मैं आपको बताता हूँ, अच्छा है गरीब का ढीला कच्चा है, अच्छा है गरीब का ढीला कच्चा है। आ गया है कैसा जमाना आ गया है, जिनके टूट गए दांत उनको चबाना आ गया है। वाह वाह। कहते हैं बेटे बाप से कर दो हमारी शादी, नक्शे कदम पे आपके हमें लड़की पटाना आ गया, और हो जाती मेरी भी शादी अगर होता नहीं वो हादसा कि ख्वाब में मेरी मंगेतर के इमरान हाशमी आ गया है। वाह 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 वाह। मैं तो कहता हूँ शादियों में जो रस्में होती है ना, जूता छुपाएगी दूल्हा का मोबाइल छुपा दो, 5,000 के 50,000 भी दे। और मैं आपको बताऊँ ये पाटेकर साहब ये गलत फहमियाँ होती है, मैंने देखा है किसी ये रिश्ते की जो बात की ना, रिश्तों से मुझे याद आया सर, ये खानदान में घरों में रिश्तों में झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। अब आप देखो सास के लिए बहू से, बेटा अब तो काफी टाइम हो गया, अब तो 2-3 हो जाओ। बहू कह रही मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका बेटा मानेगा नहीं थ्रीसम के लिए। नहीं मेरा मतलब है कि बच्चों के लिए, बच्चे के लिए, बच्चों के आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए उसके परवरिश और नशुमाना फैमिली प्लानिंग, नशुमाना मैं आपको बताते हैं कि नशुनुमा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है सर, मिसअंडरस्टैंडिंग पाटेकर क्या होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग पाटेकर साहब। अब आप देखो लड़की कह रही लड़के से मैं लाइफ में कुछ लंबा हाथ मारना चाहती हूँ, लड़का कह रहा पगली तू सिर्फ हाथ मार, लंबा ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब चीजें बड़ी हो जाती है जब आप कोई चीज खरीदते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग। 2-3 पहले की बात है, एक लड़की मुझसे खेल रही है, मेरी बॉडी तो है नहीं, मुझसे चेजा ले रही है, मुझसे मेरी टेक करी, मेरा मजाक उड़ा रही, मुझे कह रही आप कितने पुशअप लगा लेते हो, मैंने कहा 5 या 10, और अगर आप नीचे हो तो 50। मैं भी खेलता हूं, कोई सपोर्ट करने वाला हो, फ्लोर पे हो आप, सेकंड फ्लोर पे हो, जब बंदा देखता है ना खवातीन को देखता है तो ज्यादा उसे जोश चढ़ता है। इंस्ट्रक्टर, जैसे को एजुकेशन में पढ़ाई अच्छी होती है, को एजुकेशन, और जैसे इंस्ट्रक्टर भी होता है ना,
तो आप अकेले 10 लगाओगे, इंस्ट्रक्टर के साथ आप 50 लगाओ। अच्छा हाँ, और एक्सरसाइज अकेले करनी भी नहीं चाहिए। क्यों? एक के अलावा एक्सरसाइज नहीं, मतलब एक बंदे को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ये डॉक्टर्स मना करते हैं। अच्छा हाँ। आपके साथ कोई होना चाहिए। अब ये डॉक्टर से याद आया, अब आप देखो डॉक्टर से याद आया पाटेकर साहब, आप मेरे ख्याल में एक्सप्रेशन देने आए हो, आप रिएक्शन बहुत अच्छे दे रहे हो, आपका इनपुट भी आना चाहिए। डॉक्टर की बात याद आई, मरीज कह रहा है डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मैं सुबह सुबह जाग जाता हूँ लेकिन मेरा जमीर नहीं जागता। डॉक्टर साहब करो, इसका मतलब आपका ताल्लुक किसी पॉलिटिशियन से। मैं पॉलिटिशियन पे लाना चाह रहा हूँ, हमारे मुल्क का पॉलिटिशियन के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये आप एकदम वाइब्रेशन पे क्यों चले जाते हो? लगता है आप लोगों ने मेरी फिल्में नहीं देखी। मुल्क के हालात हमारे कैसे ठीक होंगे, जिसके लिए आपको बुलाया आप उसका जवाब दो। हाँ, जवाब देने आपको, आपको पॉलिटिशियन पे लाना चाह रहे, हालात पे लाना चाह रहे। सुनो, क्या करें जो मुल्क के हालात सही हो जाएंगे? अरे सुन तो लो, मैं ये कहता हूँ कि अपने मुल्क में तालीम को अच्छा करो, अपने मुल्क में तालीम को बढ़ाओ। यहाँ पे इंजीनियर डॉक्टर कम बन रहे हैं, टिकटॉकर और यूट्यूबर ज्यादा बन रहे हैं। वाह, यूट्यूबर से मुझे याद आया, अभी एक लड़की ने इंटरव्यू में बोला है कि यूट्यूब से महाना 2 करोड़ रुपए कमा रही है। अल्लाह। अच्छा, फिर एक काम कर, ये ले मेरा अकाउंट बना है? हाँ, आप अपनी आखिरत बनाएं, छोड़ दें। और हाँ, अपने मुल्क के सहाफी को सही करो, अपने मुल्क के सहाफी को सही करो। भाई अगर हमारे मुल्क के अगर सहाफियों को बोल दिया जाए ना कि भाई एक दरख्त लगाओ तुम्हें एक लिफाफा मिलेगा, तो आप यकीन करें ये पूरे मुल्क को जंगल बना दें। दरख्त लगा लगा मस्त एपिसोड, मजा है। ये लोग तो सुधरेंगे नहीं, इनके जो डबल मीनिंग बातें हैं, और डबल मीनिंग पे चले ही जाते हो फिर बाद में कवर अप भी नहीं। मतलब ये था ना, नहीं मतलब ऐसा कैसे यू वेरी चालाक ब्रो, हाँ बहुत चालाक। अच्छा रिस्पॉन्स हो गया तो फटाक से सेकंड पार्ट आएगा, नहीं तो इनकी नई वीडियो आ जाती है तब तक आपका रिस्पॉन्स इतना ढीला चला जाता है, तो फिर इसलिए सेकंड पार्ट लाने में मुश्किल हो जाती है। यार करो यार, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, ऑटोमेटिकली रीच बढ़ जाती है, व्यूज मिलते हैं, तो प्लीज जितना हो सके करो। ओके, तो डुप्लीकेट्स है सारे पाकिस्तान में, पिछले बार अमिताभ जी थे, इस बार नाना पाटेकर जी के डुप्लीकेट आ गए हैं, एंड इस बार गेस्ट थोड़ा शांत है, मतलब अब तक तो थोड़ा शांत है, ठीक है, एंड सारा बरकत उज़्मी ही अपने कंधे पे लेके जा रहे, तो उनके बरकत उज़्मी को देखने में लोगों को इतना इंटरेस्ट है, मैं आपको बता रही हूँ। जब मैं रील्स देखती हूँ जहां पे बरकत उज़्मी वाले पार्ट्स आते हैं रील्स में, ये सारे जो डबल मीनिंग वगैरह जोक्स है, उसके कमेंट सेक्शन जब मैं चेक करती हूँ, इतना इंडिया से प्यार है, मतलब इंडियन लोग प्यार देते हैं उनको, कि भाई साहब लोग ऐसे यार क्या इंसान है, कितना टैलेंट है, वी लव हिम, लव फ्रॉम इंडिया, ये वो, कपिल शर्मा को टक्कर, ऐसा वैसा करके मजा आ जाता है। एंड ऊपर से इनकी बातें भी बड़ी ही प्यारी और पीसफुल होती है, नहीं तो मैं दूसरे चैनल्स जब देखती हूँ जहाँ पे वो नहीं जाते सड़कों पे पूछने के लिए आपको क्या लगता है, वहां के लोग लाइक इतना नफरत इंडिया से, माँ कसम मैं शौक हो जाती, इतनी नफरत पाले बैठे ये लोग करके, तो इनके ऐसे प्यारा लगता है सुनने में, अच्छे लोग हैं, अच्छा प्यारी बातें करते हैं, तो मजा आता है। तो डबल मीनिंग तो बहुत सारे हैं, आपने काउंट किए क्या इतने देर में कितने सारे डबल मीनिंग हुए, तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन। आई गुड, बिना डबल मीनिंग के हो ही नहीं सकता। तो ये मेरा रिएक्शन, आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने, तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो गाइस, प्लीज हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत निहाल, बाय।